भाजपा के द्वारा ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत आयोजित संयुक्त मोर्चा की बैठक मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आजाद नगर स्थित एक निजी लान में सकुशल संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि इन 9 सालों में युवाओं को नए अवसर मिले, किसान समृद्ध हुए हैं, गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है और श्रमिकों को सम्मान मिला है। वहीं सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा कि हमारी नीति है सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी सरकार में विकास हुआ है तो सबका हुआ है, सड़क बनी तो सबके लिए, बिजली पहुंची तो हर घर में बिजली पहुंची है। इस अवसर पर किसान मोर्चा महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र चौबे, पिछड़ा मोर्चा महानगर अध्यक्ष रमेश चंद गुप्ता, अनुसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार, महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष श्वेता श्रीवास्तव, युवा मोर्चा महानगर अध्यक्षता सत्यार्थ मिश्रा, अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष अजमेर आलम, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सर्वेश शिवानंद चौधरी, हर्ष श्रीवास्तव, रजत गुप्ता, दिव्य प्रताप गोलू, शैलेन पटवा, हर्ष श्रीवास्तव, महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, ओम प्रकाश शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मैं विशेष रूप से उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद और आज इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रसिद्ध सिने स्टार सुपर स्टार और जिनके बारे में हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये कल्पना नहीं किए थे कि सांसद होने के बाद जिस प्रकार वो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी अपने सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष पूरे होने के कार्यकाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के जो विशेष अभियान 30 मई से 30 जून तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा की संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताने के लिए संकल्प ले लिया और सबका लक्ष्य 400 सीट से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुमत की सरकार बना के दोबारा इस राम राज्य को इस विकास की गंगा को बहाते रहना है। तो उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरे देश की जनता, गोरखपुर की जनता लग कर मेहनत करके कार्यकर्ता बंधु सब लोग जिताएंगे, ये प्रण लिया।